के सुनो। हाँ पहले से नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। आईवी टीवी के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तारापुर से जेडीयू ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कुशेश्वर स्थान से भी जेडीयू ने जीत हासिल की थी। 12,000 वोट से जेडीयू जो है वो राजद को पीछे छोड़ी थी और जीत हासिल की थी कुशेश्वर स्थान से। और अब तारापुर से भी 3500 के लगभग की सीट से जेडीयू जो है वो राजद को छोड़ आगे बढ़ी है और जीत हासिल की है। अभी इस वक्त हमारे साथ अंशु जी, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए अंशु जी, क्या लगता है आपको? राजद जो है वो लगातार दावा कर रही थी कि दोनों जगह से वो जीतेगी, लेकिन दोनों जगह से उन्हें हार मिली है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे जो लगातार जिस प्रकार से उपचुनाव में जो है बिहार की समीकरण देखने को मिल रहा था, लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष के द्वारा जो है दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं केंद्रित किया जा रहा था। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा और अंत में उनके पिताजी जो राजद के प्रमुख हैं लालू प्रसाद के द्वारा सभाएं की गई, अलग सभाएं की गई, नुक्कड़ सभा तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया और कहीं ना कहीं एंटी कम्बेंसी की जो बातें निकल के सामने आ रही थी, ये सभी चीज़ों पर दोनों जगह की जनता ने कहीं ना कहीं विराम लगाया। विराम इसलिए लगाया, हम ये कह सकते हैं अगर किस प्रकार से लगातार तमाम चीज़ों पर ध्यान रखी जा रही थी, जो भी चीज़ें वहाँ हो रही थी उसका जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों को खारिज करते हुए कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता ने पुनः नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। अगर बात करें हम लगातार इस प्रकार से कैंप भी किया जा रहा था और सुबह सुबह लालू प्रसाद ने खुद मीडिया के सामने आकर के बाहर में ये बताया, जो हमने जगदानंद सिंह को तारापुर में और तेजस्वी को कुशेश्वर स्थान में भेजा है, मतलब ये तो लगातार सरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनहोनी ना कर दे या हमारा कैंडिडेट बहुत कम अंतर से मार्जिन से हारने की बात ना आए, हम इसके लिए अपने दोनों आदमी को मुख्य जो आदमी है उसे हम भेज रहे हैं उन जगहों पर। लेकिन इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं जो सरकार अपनी तरफ से तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई थी, सब कुछ किया गया था, लेकिन अभी भी बिहार के जो लोग हैं नीतीश कुमार में आस्था रखते हैं। सरदार जिस प्रकार से परिणाम आया है उसमें ये हम कह सकते हैं जो एंटी कम्बेंसी नहीं, ठीक है, ये तार लगी रहती है, लोग वोट करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जो है कैंप कर रहे थे, उसके बाद जगदानंद सिंह भी आज थे, तेजस्वी यादव भी थे, लालू यादव ने भी सभाएं की थी जी। तमाम तरह की कोशिश की गई थी जो किसी प्रकार से ये दो सीट आए हमारे हाथ, तो हम कहीं ना कहीं कि सरकार के खिलाफ जो इंडिपेंडेंसी है उसकी हम एक माहौल तैयार करें, लेकिन तेजस्वी सफल नहीं हुए। एक चीज बता दें आपको कि बात करें अगर तारापुर की, तो तारापुर पे शुरुआत से ही राजद की पकड़ रही थी, लेकिन 19वें ये के बाद से देखा गया कि जेडीयू की पकड़ होने लगी। उसके बाद जेडीयू लगातार अपनी जो पकड़ एक बार बनाई जेडीयू पे, वो नीचे नहीं आई। एक कह सकते तारापुर पे राजद का पकड़ रहा था शुरुआत में। देखिए सरदार, इसको ऐसे समझना है, बहुत सिंपल सी बात है जी। एक अच्छा तो है, कहां इसमें कोई बुराई कहां है? जिसने जिसको मत दिया जहां पर उसकी प्रतिशत अधिक थी, अंत में जहां पर जो लीडिंग वोट थी वहां पर ये बताया जा रहा लास्ट राउंड में जो है राजेंद्र सिंह जो है तारापुर में उन्होंने अपना बढ़त बनाया था, उन्होंने जो है मतलब उनकी जीत तय हो गई। लेकिन ये तो अच्छी बात है, जहां पर जिसको वोट इतना मिला था उतना वोट शो कर रहा था। हाँ, हम ये कह सकते उपचुनाव था, इसको हवा सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं दिया जा रहा था, तेजस्वी यादव की तरफ से हवा दिया जा रहा था, विपक्ष की तरफ से हवा दिया जा रहा था, लगातार जो है दावे किए जा रहे थे, सरकार आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन उस पे कहीं न कहीं विराम लगा है, उस पे कहीं न कहीं फुल स्टॉप लगा है। जो बातें कर रहे थे नीतीश कुमार अब उस मोड में नहीं है, लोग सत्ता विपक्ष को नहीं चाह रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, उस पे कहीं न कहीं सवाल जो लगा रहे थे उस पे कहीं न कहीं विराम लगा है सरदार, क्योंकि ये समझने वाली बात है। और एक तरह से कह सकते हैं कि राजद को बहुत बड़ा जवाब भी मिला होगा, राजद की बहुत बड़ी हार है। बिल्कुल, हार तो है ही, इस प्रकार से इतना सारा टीम, ये भी हम कह सकते हैं सत्ता पक्ष के पीछे नहीं थी, जितने मंत्री थे, जितने एमपी थे, एमएलए थे, सभी लोगों का जो भी चुनिंदा लोग थे सभी को दोनों सीटों पर इन लोगों ने रख दिया था, मतलब टास्क दे करके बजाता
राजद भी कहीं पीछे नहीं थी, राजद के भी जितने प्रत्याशी जितने एक कैडर लोग थे या फिर यूं कहें जो संगठन के जो काम निभाने वाले लोग हैं वो दोनों जगहों पर उनके पार्टी के लोग मौजूद थे, तमाम तरह की व्यवस्थाएं देख रहे थे, लोगों तक नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे। यहाँ तेजस्वी यादव ने वहां पर नुक्कड़ सभाएं की रात दिन एक कर दिए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था जो एंटी कम्बेंसी अगर होती है सरकार, अगर दो सीट सरकार सत्ता पक्ष का उपचुनाव हारना और ये इस तरह की स्थिति में एक बड़ा मायने रखता है। लेकिन हुआ क्या, वह ये जो अभी भी कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी और कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती है। लोकतंत्र का एक खूबसूरत ये उदाहरण है जो आप अपने सरकार अपनी तरफ से प्रयास किया क्योंकि वो सत्ता में फिर भी उन्होंने प्रयास किया और विपक्ष जो अपने तरफ से प्रयास किया, लेकिन जो दोनों जगहों के लोग हैं उस स्थान में तो शुरुआती दौर में राजद के पक्ष में रुझान आ रहे थे लेकिन बहुत राउंड में जदयू की तरफ मूवमेंट देखने को मिल गया, सबको लग गया जो वहां पे जीतते हैं आप लोगों ने लाइव किया था। लेकिन तारापुर में लगातार जदयू के पीछे देखने की बात हो रही थी लेकिन एक समय ऐसा आया जब चढ़ना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया और अब कहीं ना कहीं जीत हो गई है। ये सरकार के लिए एक बड़ा सुकून का पल है और तेजस्वी को कहीं ना कहीं जनता के मार्फत से जो जनता ने घोषणा की है बहुत बड़ा जवाब है, जवाब नहीं कर सकता, अभी भी बहुत कुछ जनता के बीच जाने करने परखने की अभी भी आवश्यकता है, ये जनता के द्वारा जवाब जी। नीतीश कुमार के लिए करो या मरो वाली स्थिति थी और एक बार फिर नीतीश कुमार ने खुद को साबित कर दिया है कि जनता जो है वो क्या चाहती है। जनता ने भारी वोट से नीतीश कुमार को सपोर्ट किया है, जेडीयू को सपोर्ट कर दोनों जगह पर जीत हासिल किया। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर अमित झा हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, राजद दोनों जगह से हार गई, लगातार दावा कर रही थी राजद की दोनों जगह से जीतेगी लेकिन फिर भी भारी मात्रा से भारी वोट से कुशेश्वर स्थान से हार मिली और बात करें अगर तारापुर की तो 3500 के लगभग वोटों से हारी है राजद। जी निश्चित रूप से देखिए कहीं ना कहीं बड़ी जीत है जेडीयू की और जीत से बड़ी बात है कि सुकून मिला होगा नीतीश कुमार को कि चलिए अभी भी मेरा जो जनाधार है यानी लोगों के बीच में जो मेरी लोकप्रियता है, सरकार के प्रति जो कामकाज है उसे लोगों ने उस पर विश्वास किया है जी। और ये भी देखिए सिटिंग सीट थी जेडीयू की, अब मैं थोड़ा इसे दूसरा एंगल देना चाहता हूँ। जेडीयू की सिटिंग सीट थी, एक सहानुभूति वोट भी था लेकिन जिस तरह से तेजस्वी एनडीए ने कैंपेन किया था जिसकी चर्चा अंशु भी कर रहे थे, वाकई उससे लग रहा था कि आरजेडी जो है बड़ी टक्कर देगी लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं और कुशेश्वर स्थान में तो बिल्कुल नहीं दिखा जी। वहां पे ना कांग्रेस का फैक्टर चला ना चिराग पासवान का फैक्टर चला और आरजेडी भी लड़ाई में नहीं दिखी क्योंकि मार्जिन काफी ज्यादा था और लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर कहां हुई, तारापुर में जी, जहां पे ये लग रहा था कई जो चैनल के रिपोर्ट भी आ रहे थे, कार्यकर्ताओं से भी हमारी बातचीत हो रही थी, लोग ये कह रहे थे कि तारापुर में लड़ाई है तो वाकई वहां पे लड़ाई देखने को मिली। और इसलिए आपने देखा होगा कि लगातार 29वें राउंड तक जब तक पूरा राउंड खत्म नहीं हो गया ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतेगा। दो तीन राउंड पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि जेडीयू जीत जाए जी। तो ये कांटे की टक्कर थी लेकिन अब चुनाव परिणाम आ गए, अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद तेज प्रताप का बयान आ गया। देखिए अब तो नीतीश कुमार खुश होंगे क्योंकि नीतीश कुमार को टेंशन नहीं है, उन्होंने अपनी दोनों सिटिंग सीट भी बचा ली, अपने सहयोगी दलों को भी जवाब दे दिया। जो बीजेपी मुकेश सहनी या जीतन राम मांझी भले ही एकजुट प्लेटफॉर्म पे एकजुटता उन्होंने दिखलाई हो लेकिन अंदर खाने की क्या स्थिति है, अगर जेडीयू ये दोनों सीट हार जाती अनुमान कीजिए तो नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी के द्वारा कितना प्रेशर पड़ता सरकार के कामकाज में, या फिर मुकेश सहनी या जीतन राम मांझी आए दिन जो नई मांग कर देते हैं और सरकार से नाराजगी जाहिर कर देते हैं तो नीतीश कुमार को तो ये सुकून मिल गया। अब आरजेडी के लिए क्या है, सबसे बड़ी बात कि भाई फिर से ये उन्हें डिफेंड करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जीते कैसे। आरजेडी के अंदर खाने तेज प्रताप यादव ने बगावत कितने वर्ष से शुरू कर दिए हैं, जगतानंद सिंह, संजय यादव, शिवानंद तिवारी, तमाम जो रणनीतिकार हैं जो न सिर्फ तेजस्वी के साथ रहते हैं बल्कि लालू यादव के इर्द गिर्द भी रहते हैं उन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और बदलाव की मांग की है। उसके बाद कांग्रेस भी अब आरजेडी पे चलेगी, देखिए मेरे बिना हम तो जीते ही नहीं तो आपने कौन सा तीर मार लिया, खासकर अगर कुशेश्वर स्थान की बात करें क्योंकि मार्जिन जो है वहीं के लिए लड़ाई थी, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जो है कुशेश्वर स्थान की सीट के लिए टूटा था और ऐसे में बड़ी मार्जिन से जेडीयू वहां पे जीती है, कांग्रेस का प्रेशर पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस जीरो रहा है, लोजपा रामविलास पासवान जो चिराग की पार्टी है उससे भी कम वोट कांग्रेस को आया है लेकिन कांग्रेस ये कह सकती है कि अगर मेरा वोट जुट जाता, अगर हमारी टूट नहीं होती तो हो सकता है कि हम
चुनाव जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी पे ये प्रेशर पड़ेगा। पार्टी के अंदर तेज प्रताप यादव ने बगावत ये कर दी। दूसरी बात है कि अब जेडीयू और सत्ता को ये मौका मिल जाएगा, जिस लालू मैजिक की बात कर रहे थे, विधानसभा चुनाव तक तो तेजस्वी यादव थे, लेकिन जिस लालू मैजिक को उतारने की बात ये लोग कर रहे थे कि भाई लालू यादव आ गए, इतनी भीड़ जुट गई जी। एक दिन में उन्होंने दोनों जगह चुनाव प्रचार भी किया, उन्होंने कहा भी था कि भाई राजनीतिक विसर्जन हम करेंगे। तो अब ना सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि एनडीए खेमा जो है, और खासकर जेडीयू खेमा, लालू यादव को कटघरे में खड़ा करेगा जी, कि लालू मैजिक अब नहीं है बिहार में, और लालू अगर आते हैं तो जेडीयू या एनडीए चुनाव जीतता है और यही दर्शाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक बड़ी परेशानी है ना सिर्फ हार को डिफेंड करना, बल्कि इस हार के बाद कैसे अपने सहयोगी और विरोधी दोनों को शांत करना और जवाब देना है, ये एक बड़ी चुनौती होगी। सर आपको क्या लगता है कि अब राजद क्या करेगी, राजद का अगला कदम क्या होगा? देखिए चुनाव की समीक्षा तो होगी, लेकिन दिवाली है, छठ है निश्चित रूप से, लेकिन लालू आरजेडी सुप्रीमो जो है और तेजस्वी यादव, उन्हें बंद कमरे में ये तो मीटिंग करनी पड़ेगी, आखिर चुप कहां हो रही है? जब जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, जब आपके कार्यक्रम में भीड़ जुट रही है। देखिए विधानसभा चुनाव में हमने क्यों कहा था कि भाई तेजस्वी यादव बैक हुए हैं नीतीश कुमार के लिए, ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव अच्छा नहीं गया और उसका परिणाम हमें दिखा, भले ही एनडीए सरकार में हो लेकिन जो भीड़ जुट रही थी वो वोट में तब्दील हुई थी विधानसभा चुनाव में, और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी, और बातचीत चूंकि एनडीए का गठबंधन था, एनडीए ज्यादा सीट लाई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने कमिटमेंट के आधार पर, लेकिन तेजस्वी और लालू को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भीड़ जुटी तो वो वोट में क्यों नहीं तब्दील हुई, क्या वाकई अपने सहयोगियों को अब नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है, जैसा कि आपको पहले चुनाव में भी लालू यादव को पड़ा था। आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव जब आरजेडी कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा था 2009 के लोकसभा चुनाव में, जब आरजेडी ने रामविलास पासवान के साथ गठबंधन कर लिया था और कांग्रेस को मात्र तीन सीट छोड़ दी थी लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ दिया था और उसका खामियाजा लालू यादव को उठाना पड़ा था, फिर यही गलती इस उपचुनाव में आरजेडी ने की है। तो क्या अपने सहयोगियों को आप नजरअंदाज करेंगे, क्या टिकट बंटवारे में, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर खासकर तारापुर की मैं बात कर रहा हूं, आरजेडी खेमा संतुष्ट नहीं था, आरजेडी के कई बड़े नेता संतुष्ट नहीं थे, तो इन सब चीजों पे विचार तो करना पड़ेगा आरजेडी को, और खासकर लालू यादव को, जगतारण सिंह को, तेजस्वी यादव को, तमाम जो बड़े लीडर हैं उनको बैठेंगे, ये समीक्षा तो करनी पड़ेगी। अगर भीड़ जुट रही है तो आखिर किस रणनीति में हमारी गलती हो रही है कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पा रही है? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जेडीयू जो है वो अपनी जीत को बरकरार रखे। आपको बता दें कि जेडीयू कि जो दोनों जगह थी वो सिटिंग सीट थी, और जेडीयू की करे अमल वाली सीट थी, उनकी इज्जत की बात थी, आन की बात थी नीतीश कुमार की, कि दोनों जगह से नीतीश कुमार जीते। हमारे सहयोगी अंशु जी हैं, हम इनसे आगे की बातें करेंगे। अंशु जी क्या लगता है आपको कि अब जैसे कि तेज प्रताप का बयान आया, उन्होंने मीडियाकर्मी से बात करते हुए कहा है कि राजद के जो बड़े नेता हैं जैसे जगदानंद सिंह पे उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अंदरूनी मजबूती जो है वो बनाने की जरूरत है, राजद में बदलाव करने की जरूरत है राजद में, क्या लगता है? तेज प्रताप वाले बयान पे तो सीधे तौर पर हम ये कहेंगे, तेज प्रताप वाले बयान पे जब वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं जी, हिस्सेदारी मतलब ये जब वो अपनी बातें को रख रहे हैं और बातें रखने के बाद अगर उनकी बातें को नहीं सुनी जाती है तो उनका कष्ट जो है सब उनके सामने में निकल के सामने आता है। तो ऐसे में एक बड़ी बात है, जब चुनाव हार जाती है पार्टी तो निश्चित तौर पे उन्हें कहने का मौका मिलता है, संगठन पे दोष लगाने का उनको मौका मिलता है जी, क्योंकि वो भी एक पार्टी में जगह चाह रहे हैं। आरजेडी में हालिया दिनों में जो हुआ आपने भी देखा है जी, तो आकाश यादव को हटा देना, उनके संगठन में उनके जो लोग हैं उनको साइड कर देना, फिर अपना एक अलग दल बना लिया है। वो उस पे हम नहीं जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं जो तेज प्रताप को कहने का मौका अब और अधिक मिलेगा, क्योंकि अगर सफल हो जाते आप तो वो भी चुप हो जाता, कुछ नहीं बोलते। अगर आप असफल हो गए तो निश्चित तौर पे जो है सवाल वो भी उठाएंगे, सवाल वो भी करेंगे। और एक चीज और बता दें आपको, ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए ये भी एक टास्क था जिसको उन लोगों ने पूरा किया, और उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा जो हम कहां चुप कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी देखा एक तरफा लड़ाई नहीं थी, जो उधर पीच पे और बदल छक्का मारे और निकल गए, टक्कर थी, आखिर किन चीजों को लेकर के लोगों में नाराजगी है
क्योंकि दोनों दल के लोग जो है एक लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। विपक्ष के लोगों से जब बात होती तो वो कहते थे सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है जी। सत्ता पक्ष के लोग कहते थे कुछ कुछ चीजें ठीक है लेकिन ये मैटर को लेकर की ये दिक्कत, लेकिन हम लोग फिर भी जीत जाएंगे जी। तो ये एक बड़ा सबक था जब चिराग पासवान पे छोटा पोला जा रहा था जो कि उन्होंने मुझे हराया। अच्छा अंशुल जी एक बात बताइएगा, क्या इसका आज जो उपचुनाव का रिजल्ट हुआ, उपचुनाव का जो फैसला आया जो हुआ, क्या इसका असर आगे वाले इलेक्शन में दिखेगा? जो विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा के माफ करिएगा लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा क्या? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये सबसे पहले इसको समझिएगा तो बहुत डीपली समझना पड़ेगा। विपक्ष में इतना नहीं है, जब भी सेंट्रल में कोई सरकार बनेगा तो कांग्रेस ही उसको लीड करेगी जी, विपक्ष के तरफ से जी जी जी। सत्ता पक्ष में तो बीजेपी है ही जी, तो बीजेपी कांग्रेस में कहां किसी से तालमेल है। आप बंगाल चुनाव उठा के देख लीजिए, ममता बनर्जी अलग कांग्रेस अलग, यूपी को उठा के देखिए सपा अलग प्रयास कर रही है, प्रियंका गांधी अलग प्रयास कर रही है जी। बिहार को ही देख लीजिए उपचुनाव में जी, कांग्रेस को कहीं और फेंक दिया गया, आरजेडी कहीं और थे, तो आरजेडी मुख्य रूप से लड़ रही थी लड़ाई जी। तो असर क्या पड़ेगा? असर यही है जो सरकार जो सहयोगी जदयू है, जदयू की जो गुस्सा थी, जो जो हम किस तरह से पीछे हो गए, चिराग पासवान ने हमको हराया, ये सब चीजें आरोप लगा रहे थे। अब जब खुलेआम सामना हुआ राजद, मतलब मीन्स कर सकते हैं जो राजद और एनडीए के वर्सेस, क्योंकि कांग्रेस तो साइड है, चिराग पासवान को भी अपनी चीजों पर आकलन करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ मेहनत करने का भी अधिक से अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे थे वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जदयू को भी इससे एक सबक मिलेगा जो हम कैसे अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। अब आगे चुनाव की बात अगर आप कर रही हैं तो चुनाव में अभी समय है, नेता प्रतिपक्ष के पास में समय है, सरकार के पास में समय है, तो सभी लोग प्रयास करेंगे। चुनाव में काफी लंबा वक्त है, लेकिन जदयू का मनोबल कहीं ना कहीं से ऊंचा होगा और तेजस्वी की जो रणनीति या फिर जो भी चीजें थी, तेजस्वी का जो भी बातें थी, जनता कहीं ना कहीं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। सदा जी अंशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा और सुना, हमने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या कुछ अब हो सकता है। राजद को एक हार मिली और बहुत बड़ा जवाब भी मिला और एक बहुत बड़ा सबक भी मिला है, तो राजद को इससे सीखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जेडीयू में खुशी का माहौल है, परसों दिवाली है और जेडीयू में अभी से ही आपको बता दें कि फटाके फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ जो है कार्यकर्ताओं में बांटी जा रही है, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। तो वहीं दूसरी तरफ राजद में गम पसरा हुआ है, गम का माहौल देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब बिहार की सियासत में क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिलेगी। एक बार रजत को हार मिली है, बड़ी हार मिली है रजत को, और जेडीयू को बड़ी जीत मिली है। इसके बाद जो है कल से ही अभी से ही देखने को मिल रहा है बहुत सारी सियासी बयानबाजी आ रही है, सामने सुनने को मिल रही है। एक तेज प्रताप ने भी बयान दिया है, उन्होंने सीधा जगदानंद सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे क्या कुछ होगा हम इसकी अपडेट और आपको देते रहेंगे, यहाँ बने रहे इसी तरह हमारे साथ। अभी फिलहाल के लिए विराम दीजिए, आप देखते रहिए आईवी टीवी। धन्यवाद।